नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। गलियों का शहर, घाटों का शहर, मंदिरों का शहर आदि के रूप में विश्व विख्यात काशी अर्थात वाराणसी उत्तर प्रदेश की ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की धर्म नगरी मानी जाती है। इसी शहर में भगवान शिव का द्वादश ज्योतिर्लिंग व भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली भी है तथा इस शहर के अल्हड़पन जीवन का अनुभव करने प्रतिदिन हजारों से लेकर लाखों यात्री व श्रद्धालु वाराणसी आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आध्यात्मिक नगरी काशी को आधुनिक भारत में मुख्य स्थान प्रदान करने के लिए वाराणसी शहर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों विकास कार्यों पर निर्माण कार्य तीव्र गति से क्रियान्वित है, जिनकी जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। बता दें कि वाराणसी में रिंग रोड, अस्पताल, विद्यालय, मल्टी लेवल पार्किंग, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, आरओबी व फ्लाईओवर के निर्माण के अतिरिक्त शहर के सड़कों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी यूं तो धर्म और संस्कृति के लिए विख्यात है, परंतु काशी अब देश व दुनिया को कचरे से कोयला बनाने का मंत्र भी देगी। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कचरे से कोयला बनाने का देश का पहला प्लांट अब वाराणसी में अर्थात बनारस के रमणा में बनने जा रहा है। अतिशीघ्र ही कचरे से कोयला बनाने का प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। इस परियोजना की अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी नगर निगम के सहयोग से NTPC वाराणसी के रमणा में इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को लगाएगी। बात इस प्लांट की करें तो इसकी क्षमता 800 MT कूड़ा निस्तारण की होगी। इसके अतिरिक्त यह प्लांट हर प्रकार से इको फ्रेंडली होगा अर्थात जिससे आसपास के रहने वाले लोगों अथवा पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि ना हो। सब कुछ ठीक रहा तो नवंबर महीने से इस प्लांट के निर्माण का कार्य आरंभ हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि इस प्लांट के निर्माण में लगभग 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जैसा कि आपने सुना होगा कि आजकल देश विदेश के कई स्थानों पर कोयले की कमी से विद्युत का संकट उत्पन्न होने की सूचना समाचारों में मिलती रहती है, जिसके कारण से कोयले के विकल्प की खोज हो रही है तथा इन दिनों बिजली उत्पादन इकाइयों में कोयला संकट को देखते हुए कूड़े से कोयला बनाने का यह प्रोजेक्ट देश में नई ऊर्जा क्रांति ला सकता है तथा यह प्रयास सफल रहा तो इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण है कि कूड़े व कचरे से कोयला बनने से न केवल कूड़े कचरे के निस्तारण में सुविधा मिलेगी अपितु प्राकृतिक संसाधनों की क्षति को भी थोड़ा ही सही परंतु कम किया जा सकता है। हम अपनी दृष्टि इस परियोजना के आगामी प्रत्येक परिवर्तनों पर भी बनाए रखेंगे तथा आपको अवगत भी कराते रहेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई वाराणसी की विशेष परियोजना की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं वीडियो के विषय में यदि कोई सुझाव हो तो वह भी अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा नए दर्शक हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतज्ञ अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।